डेविड वॉर्नर खेलेंगे आरसीबी की तरफ से। डेविड वॉर्नर नहीं होंगे ऑक्शन में, डेविड वॉर्नर तो लखनऊ में जाएंगे। डेविड वॉर्नर तो आईपीएल 2022 में कैप्टनसी करेंगे आरसीबी की। एबी डिविलियर्स तो आईपीएल 2022 के लिए वापस आ रहे हैं, ऑक्शन में होने वाले हैं वो। और विराट कोहली का क्या फ्यूचर होगा? आरसीबी किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी? आरसीबी के क्या बेस्ट आरसीबी की टीम में आएंगे? सब कुछ करने वाले हैं आपके साथ बात, डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर एक चीज के। आरसीबी की टीम में कौन आएगा, कौन आ सकता है, आरसीबी किस प्लेयर को टारगेट करेगी, क्या एबी डिविलियर्स वापस आने वाले हैं, क्या डेविड वॉर्नर ऑक्शन के अंदर होंगे या वो लखनऊ वगैरह की टीम में होंगे, डिटेल से आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, अगर आप एंड तक देखते हैं तो सब्सक्राइब लास्ट में कीजिए, क्रिकेट की और आईपीएल की और साथ में पीएसएल की लेटेस्ट न्यूज यू आर गोना गेट ऑन दिस चैनल विद द एनालिसिस आल्सो कमिंग ऑन दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स टॉक अबाउट आईपीएल 2022 इटसेल्फ और ऑक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है दूसरे या तीसरे हफ्ते में ऑफ जनवरी होगा। ट्रेड ऑफ द ऑक्शन, यू हैव टू सी मेनी थिंग्स। टीम्स ने अपने प्लेयर्स रिटेन कर लिए हैं, अब सारी टीम्स एक माइंड मैप बनाएंगे कि हमने किस प्लेयर को टारगेट करना और किस प्लेयर को लेने की कोशिश करनी है हमने। अब जैसे आरसीएस के तो पहले बता दिया कि दे विल ट्राई गो अहेड एंड रिटायर टू गेट देयर जो पुराने उनके प्लेयर्स हैं उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे, जैसे ब्रावो वगैरह हो गए जो उनके पुराने प्लेयर्स हैं, दे विल ट्राई एंड गेट दोस प्लेयर्स बैक इनटू देयर टीम। अब पंजाब किंग्स की टीम की अगर आप एग्जांपल है तो पंजाब किंग्स की टीम वो चाहेगी कोई पूरी नई टीम बनाए, एक पूरे नए कॉम्बिनेशन के साथ आए और ऐसे मैदान के अंदर उतरे क्योंकि उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ ये एक एग्जांपल है, दूसरी तरफ पंजाब किंग्स वाली एग्जांपल होगी और एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स वाली। अब आरसीबी किस कैटेगरी में फॉल करेगी, कौन से प्लेयर्स को आरसीबी टारगेट करेगी, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आईपीएल 2022 में क्या डेविड वॉर्नर जो है वो ऑक्शन में होंगे या डेविड वॉर्नर जो है वो आईपीएल 2022 में आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के अंदर देखने को मिलेंगे या वो आपको कैप्टन देखने को मिलेगा आरसीबी के। जो अपडेट्स जो आपको सोर्सेज दे रहे हैं, सोर्सेज तो नहीं कह दे रहे हैं जो सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है, लाइक अगर फेसबुक एनी किसी, तो एक यहाँ पर इंस्टाग्राम रिप्लाई डेविड वॉर्नर का वायरल हो रहा है जिसके अंदर लग रहा है, हिंट मिल रही है कि डेविड वॉर्नर ना लखनऊ में जाएंगे ना हो अहमदाबाद में जाएंगे, मतलब ये दोनों टीम डेविड वॉर्नर को नहीं लेगी या डेविड वॉर्नर ने उनको इनकार कर दिया होगा और वो आना चाहते हैं यहाँ पर आईपीएल के ऑक्शन के अंदर। और जो बाकी लोग कह रहे हो ये कह रहे हैं कि भाई डेविड वॉर्नर आरसीबी के अंदर जाने वाले हैं, तो जब तक ऑक्शन नहीं होता ये चीज़ तो हम बिल्कुल कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि डेविड वॉर्नर ना लखनऊ में जाते हैं ना डेविड वॉर्नर यहाँ पर आपकी अहमदाबाद में जाते हैं, उसके बावजूद इसका कतई तौर पर ये मतलब नहीं है कि डेविड वॉर्नर ऑक्शन में होंगे, सॉरी डेविड वॉर्नर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में होंगे, वो ऑक्शन में आएंगे, जिस टीम ने उनको ज्यादा बुरी लगाई उस टीम पे चले जाएंगे। हाँ, अगर वो आरसीबी की टीम में आते हैं, लेट्स सपोज आरसीबी उनको लेती है, अपना पूरा पर्स खर्च करती है, फिर ये पॉसिबल है कि आरसीबी कैन इवन मेक हिम कैप्टन। यहाँ पर और कैप्टन की बात, तो मैंने आपको बता दिया कि डेविड वॉर्नर आ सकते नहीं आ सकते, तो अगर वो ऑक्शन में आते भी जिसके चांसेस ज्यादा है, देयर मोर चांसेस फॉर हिम कमिंग इन द ऑक्शन रादर देन ही गोइंग इन द इन इन लखनऊ और अहमदाबाद। अब आते हैं आरसीबी का कैप्टन, आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जैसे क्या होता है विराट कोहली विल नॉट कैप्टन बैंगलोरू ना, नो मोर ही इज कैप्टनिंग बैंगलोर। सो हु विल बी द कैप्टन फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, हु विल बी द कैप्टन फॉर आरसीबी? तो अगर वॉर्नर आते तो मेरा ख्याल है वॉर्नर ही होंगे, अगर एबी डिविलियर्स होते तो सारे कहते शायद एबी डिविलियर्स हों। अब सिनारियो कुछ ऐसा है कि तीन रिटेन किए प्लेयर्स, विराट जो कि कैप्टन हो ही सकते हैं, मोहम्मद सिराज जो कि एक यंग एज में है और उनको कैप्टन बनाना मेरे ख्याल से एक अच्छी चॉइस नहीं होगी, तो वो भी डेफिनेटली नहीं होंगे कैप्टन। और एट लास्ट ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन किया गया, ग्लेन मैक्सवेल कैन बी द कैप्टन फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मतलब कि मैंने कह रहा हूँ कि होंगे या सोर्सेस अपडेट्स आ रही है बट दे कैन मेक हिम अ कैप्टन। बाकी जब टीम आएगी तो उसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल से बात कर सकते हैं, बट अगर आप इन तीनों प्लेयर्स में से देखें तो आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल और उसके अलावा जो आरसीबी प्लेयर्स को टारगेट करेगी, दैट दे नीड अ ओपनर, दे नीड जॉनी बेयरस्टो लाइक प्लेयर्स, दे नीड जेसन रॉय लाइक प्लेयर्स, दे नीड अ गुड सॉलिड ओपनर एट द फ्रंट, ऐसे प्लेयर्स उनको चाहिए। मे बी दे गेट बैक देवदत्त पाडेकर, मे बी दैट इज पॉसिबल, मे बी दे गेट बैक युजवेंद्र चहल इन द स्क्वाड,
इट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो मेरा ख्याल है 3-4 प्लेयर्स को टारगेट करेगी आरसीबी और 2-3 उनके पुराने भी होंगे. मे बी चहल, इट कैन बी चहल, इट कैन बी यू नो रॉय, देवदत्त पदिकल, एनी ऑफ दिस. दे गोना ट्राई, दे गोना गेट देम इन द स्क्वाड एंड दे गोना गो फॉर इट. दे गोना गेट, they'll try Jonny Bairstow as well as an opener. They will try for him as well. That is different because they need openers. They need good openers. लेकिन RCB की हमने हमेशा देखे है opening जोरी कमाल की है. तो RCB इस दफा जो ज़्यादा target करने वाली है वो middle order players को करने वाली है. अब middle order में आपको कौन से वो players हैं जो कि आपको एक platform देते हैं, एक मुस्तहकम जो है ना वो देते हैं. तो उसमें सबसे पहले तो मेरा ख्याल है विदाउट एनी डाउट शरियाज अय्यर का नाम आता है. अय्यर अगर आते हैं तो विराट कोहली को ऊपर नीचे होना पड़ेगा और काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है. ईशान किशन भी आ सकते हैं लेकिन वो भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे. तो आरसीबी विल बी टारगेटिंग जेन्युइन मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स एंड गुड रन स्टॉपर्स. विकेट टेकर्स हैं उनके पास, दे हैव सिराज, दे हैव युजवेंद्र चहल, दे ऑल लीक रन्स एट टाइम्स. उनको चाहिए एक बोलर जब रन्स लीक हो रहा है वो बोलर आए आके रन्स रोके, इजी सीन चले, आरसीबी आगे लेकर के जाए मैच को. दैट इज व्हाट आरसीबी वांट राइट नाउ. दे विल टारगेट दीस टाइप्स ऑफ प्लेयर्स एज वेल प्रीटी मच एंड लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर आरसीबी इन टारगेटिंग दीस टाइप्स ऑफ प्लेयर्स. नाउ जी आरसीबी के कैप्टन की बात भी होगी, आरसीबी के टारगेटिंग प्लेयर्स की बात भी होगी. तो कैप्टन जैसे मैंने आपको कहा एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि अगर बनाना चाहता तो ग्लेन मैक्सवेल कैन बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट विद हिम. विल सी व्हेन आरसीबी अनाउंसेस द स्क्वाड. और मैंने आपको टारगेट प्लेयर्स का बता दिया. कमिंग ऑन जी, इसके बाद एबी डिविलियर्स के बारे में बड़ी अपडेट्स आ रही है कि एबी डिविलियर्स ऑक्शन में वापस आने वाले हैं. एबी डिविलियर्स आईपीएल में वापस आने वाले भाई जान. क्या एबी डिविलियर्स असल में आईपीएल ऑक्शन में वापस आने वाले हैं, आइए जानते हैं. तो एबी डिविलियर्स अब्राहम बेंजामिन द डिविलियर्स आरसीबी की तरफ से खेलते थे. ही टुक द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट राइट बैक 3-4 इयर्स अगो एंड दिस ईयर ही टुक रिटायरमेंट फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ क्रिकेट. हाँ वो कम एज के थे, उनको मेरा ख्याल है जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी उस वक्त भी दैट वॉज टू अर्ली. बट नाउ ही हैज टेकन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ क्रिकेट. अब जो लोग कह रहे हैं जो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि एबी डिविलियर्स वापस आ रहे हैं ऑक्शन के लिए, तो अभी तक कोई आपकी ना रिलायबल सोर्स सबसे पहले ये नहीं कह रहा, कोई भी रिलायबल सोर्स ऐसा नहीं कह रहा है कि यू कैन सी एबी डिविलियर्स इन आरसीबी. और उसके साथ साथ जो न्यूज़ है अभी तक फेक है, अभी तक हो सकता है कि वो वापस आए. बट अगर आप कह रहे हैं मेरे हिसाब से 10% से भी कम चांस है, 10% से भी कम चांस है. और मुझे नहीं लगता एबी डिविलियर्स वापस आपको देखने को मिलेंगे आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्क्वाड के अंदर. और ऑक्शन के अंदर भी मुझे नहीं लगता वो आईपीएल खेलेंगे. कोई लीग भी नहीं खेलेंगे यार, क्यों खेलेंगे वो आईपीएल. अब उनका क्या मतलब रेस्ट करना है, इस फॉर्म में ऑलरेडी डिक्लाइन. जब एक फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलते हो सिंपल बात है भाई, आप जो है वो अफेक्ट होगी, आपकी फॉर्म अफेक्ट होगी. आप जो है ना नेट्स में अगर आप क्लब में जाके खेलो तो आप 130 वाले बॉलर को खेलोगे, 145 वाला आएगा, योर रिफ्लेक्सेस गेट्स स्लो. तो इंटरनेशनल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, लीग क्रिकेट, दिस ऑल द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिकेट गेम्स. हाँ लीग क्रिकेट इज कम्पेटिटिव, बट क्लब क्रिकेट में ये नहीं बोलते कम्पेटिटिव नहीं है. बट दैट इज नॉट द इंटरनेशनल लेवल जो कि आपको एक यू नो इंटरनेशनल प्लेयर बना के रखता है. इवन डोमेस्टिक क्रिकेट इज समथिंग विच मेक्स यू दैट टचेस द लेवल ऑफ नेशनल क्रिकेट, बट दैट इज नॉट द केस विद क्लब क्रिकेट. तो he knew that his form is affecting, he knew that he is no more that De Villiers. Yeah, he was that De Villiers actually, you can't say that. But not with consistency. Match winning knocks खेलते रहे वो, एंड तक खेल रहे वो अपने, but consistency lack कर रहे थे वो. बीच में जब आप जाते थे ना यार 2-4 छक्के मारे, कभी कभी मिस कर रहे थे. और हाँ De Villiers जैसे स्टैंडर्ड के प्लेयर्स